वेलकम टू प्रजापति स्टडी पॉइंट। दोस्तों, मैं आज आपको वुमेन एम्पावरमेंट जीडी के लिए टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको कराने जा रहा हूँ। देखिए, जो आपका 28 मई को जो जीडी का हुआ था, उसमें भी ये टॉपिक मिला था। लगभग ये टॉपिक ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मिल रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, आज मैं आपको वुमेन एम्पावरमेंट पर जो अपने व्यूज़ हैं वो बताने जा रहा हूं, आपको किस तरह से जीडी में बोलना होगा। तो देखिए, जो ये पैराग्राफ है, वुमेन एम्पावरमेंट इज़ एम्पावरिंग टू टेक देयर ओन पर्सनल डिसीजन फॉर देयर पर्सनल डिपेंडेंट। यानी कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है, वो एक वुमेन के लिए अपने पर्सनल डिसीजन और अपनी स्वतंत्रता लेना है। ओके, वोमेन शुड बी गिवन इक्वल राइट्स लाइक एज अ मैन। वोमेन है जो, उसको एक मैन की तरह इक्वल राइट्स दिए जाने चाहिए। ओके, टू रियली एम्पावरिंग देम, उसके सशक्तिकरण के लिए। तो देखिए, ये नेक्स्ट है आपका, इट इज़ टू ब्रिंग इक्वलिटी इन द सोसाइटी फॉर बोथ मेल एंड फीमेल इन ऑल एरियाज। देखिए, सभी क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा दिया जाना चाहिए। ओके, वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी नेसेसरी टू टेक द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द फैमिली, सोसाइटी एंड कंट्री। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण बहुत ही ज़रूरत है, महिला सशक्तिकरण की, टू मेक द ब्राइट फ्यूचर, उज्ज्वल भविष्य के लिए, ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड कंट्री। ओके, दे नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, अलर्ट एंड अवेयर एवरी मोमेंट फॉर देयर ग्रोथ। देखिए, दे नीड यानी उन्हें आवश्यकता है स्ट्रॉन्ग, अलर्ट और अवेयर एवरी मोमेंट रहने के लिए। ओके, नेक्स्ट है आपका, डेवलपमेंट मोस्ट कॉमन चैलेंजेस, ग्रोथ मोस्ट कॉमन चैलेंजेस चैलेंजेस रिलेटेड टू देयर एजुकेशन, पॉवर्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी। ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्री, इंडिया हैड टू फेस लॉट्स ऑफ चैलेंजेस विच एडेड क्रिएटेड अ बिग गैप बिटवीन मैन एंड वुमेन। यानी कि आज़ादी के बाद महिलाओं और पुरुषों के बीच एक बड़ा ही इफेक्ट देखने को मिला है, गैप बिटवीन मैन एंड वुमेन। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, मैन एंड वुमेन स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, मुख्य रूप से एजुकेशन के तौर पर। ओके, वुमेन विल नॉट बी एक्सप्लॉयटेड इफ वुमेन विल हैव द सेम राइट्स लाइक मैन। यदि वुमेन के पास एक पुरुष के जितने अधिकार होंगे, तो उसका शोषण भी नहीं होगा। तो देखिए, आपको अपना पॉइंट है वो किस तरह से देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कहना है, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, वुमेन शुड बी गिवन इक्वल राइट्स लाइक ए मैन। सबसे पहले तो आपको उसमें लगाना है, इन माई ओपिनियन, या इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, या तो आपको कहना है इन माई ओपिनियन या इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। आपको अकॉर्डिंग टू मी नहीं बोलना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी गलत होता है। तो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जीडी में रोज़ पूछा जा रहा है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको जिस भी तरह का टॉपिक की आवश्यकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।